पटना के दीघा थाने के कुर्जी गेट नंबर 71 के पास स्थित अपने 3 मंजिला मकान में सिविल इंजीनियर मिथिलेश महतो बम बनाता था। इसका खुलासा तब हुआ जब दीघा पुलिस ने रिपसपुर पुलिस के साथ मिलकर ई रिक्शा चोरी के मामले में मकान पर छापेमारी की। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया है। बिहार पुलिस ने एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश करते हुए इसे गिरफ्तार किया। राजधानी पटना को संभावित विस्फोट से बचा लिया गया है। पुलिस ने बुधवार को गुप्त सूचना के आधार पर दीघा थाने के कुर्जी गेट नंबर 71 के पास स्थित एक घर से छापेमारी कर बम बनाने का सामान बरामद किया। इन सामानों में 35 जिंदा कारतूस, पोटाशियम नाइट्रेट, 2 तरल पदार्थ भरा हुआ डब्बा, आधा डिब्बा चारकोल, 50 ग्राम सुतली, बॉडी प्रोटेक्टर और फौजी का कपड़ा आदि शामिल है। इस दौरान पुलिस ने मौके से एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले का खुलासा उस समय हुआ जब ई रिक्शा की चोरी मामले में रुपसपुर पुलिस की टीम ने दीघा थाना पुलिस के साथ घर पर छापेमारी की। पुलिस ने जो सामग्री बरामद की है, सिविल इंजीनियर मिथिलेश महतो उसका इस्तेमाल कर बम बनाता था, वो फिलहाल फरार है। पुलिस ने उसके भाई पवन महतो को गिरफ्तार कर लिया है। पवन को पुलिस ने इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि उनके घर से बम बनाने की सामग्री होने के बावजूद उन्होंने पुलिस को जानकारी नहीं दी। पुलिस ने जिस समय छापेमारी की उस समय मिथिलेश महतो अपने घर पर नहीं था। पुलिस ने पवन से पूछताछ की तो उसने बम बनाने की सामग्री मिथिलेश महतो के होने की जानकारी दी। साथ ही यह भी बताया कि वह इस सामान का क्या करता है, उसे इसकी कोई जानकारी नहीं है। मिथिलेश भाइयों में सबसे बड़ा है। गिरफ्तार पवन एक निजी अस्पताल में काम करता है जबकि सबसे छोटा भाई बेंगलुरु में पढ़ाई कर रहा है। विधि व्यवस्था के DSP दीपक कुमार पांडे ने बताया कि मिथिलेश फिलहाल फरार है। उसकी गिरफ्तारी के बाद ही विस्तार से जानकारी मिल पाएगी कि बम बनाने के बाद उसकी सप्लाई वह किसे करता था, साथ ही यह विस्फोटक सामग्री वह लाता कहां से था। रुपसपुर इलाके से बदमाशों ने एक ई रिक्शा चोरी कर ली थी। मामले में रुपसपुर पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा था। इसके बाद पुलिस को जानकारी मिली कि मिथिलेश ई रिक्शा भी चोरी करवाता है। इसके बाद रुपसपुर थाने की पुलिस ने दीघा थाना पुलिस से संपर्क किया और उसके घर पर छापेमारी करने पहुंची। मिथिलेश नहीं मिला तो पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली। दीघा थाना क्षेत्र में बिल्कुल प्रातः में रुपसपुर थाना की भी टीम आई थी एक चोरी के ई रिक्शा की बरामदगी के संबंध में, और इसी क्रम में अपने दीघा थाना की टीम और रुपसपुर थाना की दोनों टीम कुर्जी गेट नंबर 71 है, वहाँ पे रघुवीर महतो का घर है, उनके लड़के मिथिलेश महतो को खोजने गई। इसी क्रम में उनके घर से मिथिलेश महतो तो नहीं मिले, लेकिन सर्च के दौरान उनके भाई पवन महतो और उनके घर से 35 जिंदा कारतूस, चारकोल पाउडर, पोटेशियम नाइट्रेट, एशियन पेंट के डब्बा में जो चारकोल मिला था, सुतली और बॉडी प्रोटेक्टर जैसा कपड़ा और एक और कपड़ा जो कि आर्मी कलर का है, यह बरामद हुआ है। और हम लोग इसकी विधिवत जो है जब्ती करके और इसमें पवन महतो की गिरफ्तारी भी हुई है। FSL टीम को बुलाया गया है और आगे हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कुछ जानकारी दी है गिरफ्तार व्यक्ति ने कि हाँ, गिरफ्तार जो पवन महतो हैं उनको जानकारी तो है सब कुछ की, जो कारतूस और ये जो सामान है सामग्री है उनके भाई के पास थी, लेकिन आगे विशेष जानकारी ये नहीं दे पा रहे हैं। ये मिथिलेश की गिरफ्तारी के बाद ही स्पष्ट हो पाए। मिथिलेश क्या करता है? मिथिलेश के बारे में अभी उनके घर से जो पूछताछ हुआ है तो शायद वो डिप्लोमा वगैरह भी किए हुए हैं, आगे हम लोग जाँच कर रहे हैं, उनके आपराधिक इतिहास के संबंध में भी जाँच कर रहे हैं। इंजीनियरिंग के छात्र हैं वो, अभी हम लोग आगे जो है जाँच कर रहे हैं। सर, जिस प्रकार से पूरा मामला हुआ है, जो सामान बरामद किया गया है, पोटाशियम नाइट्रेट, सुतली, गोली, तो आखिर इसका क्या काम होता था? आपको लगता है कि कुछ जो पदार्थ बनाने नहीं, जो बरामदगी है इसमें कुछ विस्फोटक पदार्थ हैं, तो इसलिए हम लोग इसकी मतलब गहनता से जाँच कर रहे हैं। FSL टीम भी बुलाई गई है और आगे जो भी हम लोग कार्रवाई हो करें। पदार्थ से क्या बम बनाया जा सकता है? हाँ, जो पदार्थ हैं वो तो बनाया जा सकता है, इसमें हम लोग कर रहे हैं। आर्मी का कपड़ा बरामद किया गया, इसके उसमें क्या मंशा? बॉडी प्रोटेक्टर बरामद किया गया है जो अक्सर नक्सली यूज करते हैं, कहीं इनका नक्सली कोई कनेक्शन तो नहीं है या माओवादियों से कोई कनेक्शन तो नहीं? अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया है और आगे जो जाँच होगी जो भी बातें आ जाएंगी। आर्मी टाइप का कपड़ा रखने का कारण? आर्मी जैसे कि अभी कुछ लोग न्यूज में चला रहे हैं कि जो है पिट्ठू वगैरह, तो पिट्ठू नहीं है वो, जो बॉडी प्रोटेक्टर होता है जो काला उस तरह का है, और एक जो आर्मी कलर का कपड़ा है वो जो बॉडी प्रोटेक्टर के ऊपर जो डालते हैं उस तरह का कपड़ा है। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।